भाई बिजली का बिल कितना आया? 18,000 रुपये। कितना आता था? 1700-2000। मुझे ये बताएं कि किस तरह से अदा करते हैं बिल? बिल 2 महीने हो गया अदा ही नहीं किया। क्यों? है ही नहीं, कारोबार काम ही कोई नहीं है। बच्चों की फीसें, बच्चों को कुछ नहीं देता। किस तरह रोटी वगैरह कैसे? बस अल्लाह का शुक्र खाई हुई है, इन्होंने इतनी जान खाई हुई है, नून लीग को वोट दिया और ये हाल कर दिया है कि हम दो वक्त की ना बच्चों को रोटी और ना हम दूध पिला सकते हैं बच्चों को। ये ना बिल दिया जाता है ना इनको खाना खिलाया जाता है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं आके। तो क्या इनको गवर्नमेंट में रहना चाहिए? नहीं, अगर इनसे चल रही तो इनको छोड़ देना चाहिए। ये दूसरे ममालिक में करके आते हैं राउंड, इन्हें नहीं पता वो कैसे चला रहे हैं अपना मुल्क, और इन्हें नहीं चलाना आ रहा तो फिर महंगी कर दी, आप क्या करेंगे? तो इनको छोड़ देना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम माजी, बिल आए जे? बहुत ज़्यादा बिल आए ने बेटा। कितना बिल आया? बिल साढ़ा 24,000। कितना आंदा सी पहले? पहले 6-7। 6-7? 6-7। अब इतने ज़्यादा आते हैं कि तो ये इतना ज़्यादा बिल अदा कैसे कर लेते हैं आप? क्या करें, कर कटवा के बैठ जाए इतनी गर्मी में। खाने के लिए तंगी नहीं होती? बड़ी तंगी होती है। कैसे खाना पीना कैसे पूरा करें? बस अल्लाह का शुक्र है। छुड़ा दिया दूध, दूध भी नहीं लेते, छोटे बच्चे हैं दूध नहीं लेते, छुड़वा दिया। क्या करें, घर के खर्चे पूरे करें, बिल दें, क्या करें? पढ़ाई चढ़ाई भी नहीं करते? बच्चा रो रहा है, मैंने टॉयज लेने हैं, कहाँ से लेके दें? आपकी तो आंखों में मैंने देखा मोतिया भी उतरा हुआ। हाँ तो रो रो के यही हाल है, मेहनत कितनी करें मेहनत। आप क्या किस बहुत मुश्किल से गुजर बस? बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे हुकूमत? हम क्या कह सकते हैं अल्लाह। दवाइयाँ वगैरह का क्या करते हैं? ये तो बिजली का बिल। दवाइयाँ मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ तो दवाई छोड़ी हुई है। और मसला हो आती है तो हमें बस वो लग जाता है, इसका ही रोग कि अब बिल आने वाला है, बिल आने वाला है, क्या करें, बिल आने वाला है। बहुत तंग होते हैं बिल? बहुत ज़्यादा। कितना बिल आया आपका? और सर जी 61,700 रुपया बिल आ गया। कितों जमा कराई है? मेरे ख्याल 95,000 रुपये की मेरी दास है, हुकूमत को ख्याल ही को नहीं है कोई। उम्मीद थी इतनी बिजली के बिल आएंगे? बिल उम्मीद की सी, सारी जिंदगी नहीं सोचा, 50 साल नहीं कभी इन्ना बिल नहीं सी आया, जरा 1 महीने ही जा गया। सानू खीर जुलम करता है भाई, उन्होंने उम्मीद है गवर्नमेंट, उम्मीद की है मरेंगे तो फिर उम्मीद होनी है, उस तो पहला कोई उम्मीद नहीं है। 280 रुपये का पेट्रोल पवा के आया वा, पैसे नहीं है कि टैंकी सीधी करा ली है यदि, हुकूमत को ख्याल ही को नहीं है। पट्टे का किराया भी देंगे? नहीं किराया नहीं देंगे, उन्होंने मेहरबानी, उन्होंने क्या फीस भी ले ला कोई गल नहीं, उन्होंने मेहरबानी है। सुबह आई दा 9 बजे तो रात 9 बजे जाइए, 12 घंटे च भी पूरा 12 घंटे ड्यूटी करी दी है, तो 1,700 रुपया बिल ले, वह कौन जमा कराएगा हूँ? सुबह गया हाँ मैं क्या किस तरह कर देवो, वह कहते भाई किस तरह हो गया, जुर्माना भी पैना ही हूँ। एक बंदा वाकफ कर उन्होंने कहा गुड़दा बेच दे फिर तू, चलो मैं तो इधर घट चले तू ज़्यादा चले हैं, यही हाल है भाजी होर कौन नहीं, कोई उम्मीद नहीं जे है, सब झूठ जे, सब खाब जरे झूठ, ये साढ़े मर जान तो चंगा, सुकून तो ही होना। ए चांदगढ़ी वाला जे एरा गैस का बिल पिछले बी कि अड़जवान हैलो, वो चांदगढ़ी खलोती जो पी ली हो, वेखो कोई ख्याल करो, कोई उन्होंने समझाओ, कोई तुम ही कहो थोड़ी आवाज़ से उतना पहुँच दी, ताकि आवाज़ पहुँचाना है तुम दसो कि इन्हें लिए की दुआव निकल दुआवं और बद दुआव तो वह गाला जी कहीं सुनिया नहीं इन्होंने वो कड्डो। भाई बिजली का बिल आया? बहुत ज़्यादा यार, अल्लाह माफ़ करे। कितना बिल आया? वो 30,000 रुपया, 30,250 रुपया। सोचा था इतना महीने का बिल आया यार, ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। अभी बिजली और महंगी हो गई, बस फिर दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह के आगे। क्या करेंगे? बस कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह ही करेंगे और क्या करेंगे इस मुल्क में। दूध पूरा हो जाता है? कुछ भी नहीं भाई, 25,000 रुपया तनख्वाह है, दूध किधर से पूरा होगा। क्या करते हैं, किस तरह से पूरा? कुछ भी नहीं, बस बहन भाइयों से पकड़ पकड़ के गुजारा कर रहे हैं आजकल। बुरा तो लगता होगा जब आगे हाथ पे 100 दफ़ा सोचना पड़ता है, शर्मिंदगी का बायस और क्या है भाई। अब कोई उधार भी नहीं देता होगा जी? कोई भी नहीं भाई, अब पीछे किसी को वापस करेंगे तो मिलेगा ना उधार आगे। बिल आया ताटा? हाँ जी भाई। कितना? बहुत ज़्यादा भाई बिल आंदा, कोई साड़ी ना चीज़ नहीं चलती है तो फिर भी इन्ना ज़्यादा बिल आंदा ना, जो कोई हिसाब नहीं है, ना साड़ी फ्रिज है, ना असी मोटर चलाने, साड़ा ना सरकारी पानी लगा हुआ है,
तो मैं यकीन करो लोगों के घर कम करके तो बिल पे किया जे 9,000 रुपया तो 80 रुपये बिल आया जे कोई तनखा की नहीं कमा मैं तकरीबन 17,000 का काम करनी हूँ महीने 9,000 रुपया बिल धार दी तो असं रहने भी रेंट दे इन्नी ज़्यादा परेशानी लगती है ना जो कोई हिसाब नहीं है लड़ाई होती जहर लड़ाई तो फिर होनी होंगी है जो मेरा कमाने वाला भी कोई नहीं मेरिया सिर्फ 3 बेटिया ने बेटा भी नहीं है तो ना मेरे मियाँ ने ना टाफिया की सिर्फ दुकान पाई है तो वेद 300 या 400 रुपया रोज़ असं रोटी खाइए या ना खाइए बिल जरूर गौरमेंट मिलती है तो बिजली भी यकीन करो रात भी बंद रही जो दिन भी बंद रही है इन्नी परेशानी लगती है ना बड़ी ज़्यादा पूरा किमें करते हो पूरा बस यही लोग कोई तावन कर छड़ते हैं तो उन्होंने ही बस गुजर गुजारा सालन लैदा लोगों के घर चो इस तरह रोटी उधार देंदा हूँ नहीं उधार भी नहीं हूँ लोग देंदे है हूँ तो लोगों ने पैसा देना भी छड़ दिता तनखावं भी साढ़िया 2-2 महीने दनखावं ने वह भी नहीं देंदे है वह भी नहीं मिलती है तनखा भी हाँ जी बिल आया नहीं जी असि इंडिया तो सरकार ने 600 यूनिट फ्री की 600 यूनिट आपकी सरकार ने फ्री किए हैं आपको बिल नहीं आता ना बिल नहीं आता 2 रुपए किलो कनक देती है सानू सरकार 2 रुपए किलो गंदम देती है आपको उससे रोटी भी खाते हैं हाँ। खुशहाल है हाँ जी बहुत ज़्यादा साड़ी सरकार बहुत अच्छी है यहाँ पे आप सैर करने हैं हाँ जी मेरे ताए रहते हैं दो इंडिया रह गए थे 2 इधर 2 गुजरांवाला रह गए हाँ जी तो किसे मिलने आए हाँ जी तो हैरानी नहीं होती यहाँ देख के साथ। नहीं बहुत हैरानी उरे साढ़े 500 रुपए का सूट होता 3,000 रुपए का सादा सूट है प्यालो साढ़े बड़ा कुछ है उधर कितने का सूट है तो 500 का और पढ़ाई पढ़ाई फ्री विद्या सारे बच्चे सब नू जेड़े तुहाडे इत्थे रिश्तेदार रहिंदे ने ओ की कहिंदे ने ओ ता कुछ नहीं कहिंदे उन्हां दा कारोबार माशाल्लाह सही है डिनर सैट जेड़े काम करदे ने उन्हां दे घर ओ की कहिंदे ने ओ ता कहिंदे ने असीं तां दुखी हो गए इत्थों सरकार तों लोग इंज रो रहे ने सड़कों से साढ़े तो मंगण वाला भी खुशहाल है शुक्र अदा करते हो तुम उत्थे रह बड़ा बड़ा हाँ हाँ पहले हल जो पहले भी पाकिस्तान आते हूँ आते हो की फर्क लगता बहुत फर्क है पहले 700 रुपए का सूट था हूँ 3,000 रुपए का सूट साढ़े बड़े अच्छी सरकार है सानू फ्री है अगर गरीब आदमी रोटी नहीं खाऊ चटनी ना खाऊ गंदम तो फ्री है ना हाँ जी बिल 600 यूनिट किन्नी होंगी है तुम ये सोचो पहला 600 यूनिट का किन्ना हो तो पाकिस्तानी 50-60 हज़ार बिल हाँ इधर साढ़े नहीं आता दिन रात एसी चलते हैं आवाम सारी खुशहाल है बिजली के बिल अदा हो रहे हैं नहीं हो रहा भाई बहुत मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है आमदन से ज़्यादा बिल 75,000 रुपया बिल आया इस महीने में तो 75,000 तो कहाँ से आएगा भाई भाजी क्या उम्र होगी आपकी मेरी तकरीबन 65 साल सोचा था इतना महंगा जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसा होगा अब जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है ना अल्लाह ना करे किसी और के साथ ना हो तो अदा कैसे करते हैं गुजारे कैसे करते हैं भाई हमारा मेरा एक बेटा जो है ना वो तो बिल्कुल फारग है एक बेटा जो है ना वो घर का खर्चा चला रहा है बड़ी मुश्किल से चल रहा है खर्चा अब क्या होगा हुकूमत से माली इमदाद भी मिल कहाँ कहाँ मिल रही है हमें तो कहीं नहीं मिली किसी ने ना बताया ना मिल रही है कहीं नहीं मिल रही भाई ये तो सब झूठ है कहाँ मिलती बच्चों है बच्चों का दूध गुजारा वल्ला बहुत मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है अब क्या करें किसी के घर जाके क्या रोना रोएंगे हम लोग बिल्कुल नहीं है गुजारा नहीं हो रहा ये हुकूमत जो कर रही है गलत कर रही है क्या कहेंगे हम तो इनको कहेंगे कि जान छोड़ दो हमारी खुदा के लिए जान छोड़ दो जो लंदन में जो जायदादें बनाई है ना उधर जाओ कितना बिल आया मेरा 20,000 है कितना आता था बड़ी बात कुछ 7,000-8,000 रुपये तक आता था इस मौसम में आपको बिजली का वाकई झटका लगा बहुत ज़्यादा झटका लगा जी ये हमारे घर के पास भाई ने भाई को कत्ल कर दिया ये प्रिंस रोड पे गरजाग में अच्छा मुझे बताएं क्या उम्मीद थी बिल कम होने थे मैं खुद नून लीग का सपोर्टर था ठीक है पूरे बाज़ार में उनकी कंपेन चलाता था अब सर मुझको बुरा भला कहते हैं इतनी परेशानी हो गई ये जलील हो रहा हूँ यकीन करें इधर जितने भी कर रहा हूँ तो इनको मेहरबानी के लिए आपने मेहनत की उनको क्या पैगाम मैं उनसे कहूँगा मेहरबानी करके जान छोड़ दें हमारी ऐसे हालात ना हमारे मुल्क में पैदा करें वो तो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है IMF के पास तो उनको जो पता था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर हमें सब्ज़-बाग क्यों दिखा रहे थे जो बातें कर रहे थे कि महंगाई ख़त्म कर देंगे अगर आए हैं तो ख़त्म करें ना तो घर वाले क्या कहते हैं घर वाले बस बिल आते हैं परेशान हो जाते हैं बस वो एक दूसरे के चेहरे देखते हैं कि ये कैसे अदा होना है फिर कोई ना कोई चीज़ घर की बेच के फिर उसको अदा करते हैं फिर अगले माह फिर से आपा पड़ जाता है अगर अब इलेक्शन होते हैं तो आप क्या करेंगे मैं नहीं वोट डालूंगा किसी को भी नहीं डालूंगा
कसम वाली बात है, किसी को वोट नहीं डालूंगा। नून लीग को मैं बड़ा सपोर्ट करता था, अब बिल्कुल ख़त्म, बायकॉट। इनसे उम्मीद मुझे लग रहा था कि ये बेहतर कर देंगे, पर नहीं, ये नहीं कर सकते, इनके बस का काम ही नहीं है। बस ये एक से तो उम्मीद होगी, आगे निज़ाम भी तो चले। नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं, अल्लाह जानता है, किसी से उम्मीद नहीं। इतना ही बिल देते रहें? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि रोडों पर निकलें, कोई हमारे साथ लगे तो कुछ अपने हक के लिए कुछ बोलें, और आपकी भी मेहरबानी है, कुछ इनको हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ कि हम परेशान हैं, तो आपकी मेहरबानी होगी अगर आप उन तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ कि आवाम वाकई पहचान परेशान है, तो हमारी जान छोड़ें ये।